हे गाइस, देखिए मैं बना रही हूँ खिचड़ा बना रही हूँ। बड़े की गोश्त की मैं खिचड़ा बना रही हूँ। तो मैं पांच प्याज, इतना बड़ा बड़ा प्याज को मैं लाल कर रही हूँ। ये मसाले देख, मसाले इलायची, दालचीनी, जीरा, ये सब सारे मसाले हैं। और ये रहा गोश्त, रहा चना का दाल, रहा आलू फ्राई कर लिए हैं। चावल करीब हम 2 घंटे से भिगा के रखे हैं। तो ये देखिए मैं आज खिचड़ा बना रही हूँ। तो हे गाइस, आप सबको दिल से स्वागत है। तो आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम सब भी अच्छे, अल्लाह के फजल करम से आप सब भी अच्छे हो। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ कोलकाता स्टाइल की मैं खिचड़ा बना रही हूँ। गोश्त देख, बड़े की गोश्त देखे मैं खिचड़ा बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैं ऑलरेडी मैं प्याज लाल कर रही हूँ। और ये देखिए, आलू मैं लाल करके रखी हूँ। चने की दाल में 2 घंटे से भिगाई हूँ। ये रही गोश्त रही। और ये सारे मसाले देख लीजिए, धनिया का ये सब है। तो ये देखिए मैं प्याज लाल कर रही हूँ। तो आज 11 रोज़ा आप सबको मुबारक हो। अल्लाह आप सबको तौफीक अदा करे 30 रोज़ा मुकम्मल करने की। तो आगे बने हुए रहिए। तो गाइस देखिए, हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है। और इसमें अपने गोश्त डाल देंगे। करके निकाल ली हूँ। आगे बने हुए रहिए। तो जितने मसाले थे ये देखिए, मैं सारे मसालों को इसमें डाल चुकी हूँ। और ये मेरा 3 चम्मच दही है, उसे मैं भी ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी पिलाऊंगी। और इसे मैं थोड़ा पानी दूंगी, ज्यादा नहीं, अपने हिसाब से दूंगी। और इसे अब मैं ढक दूंगी। फिर मिलते हैं। तो ये देखिए, मैं इसमें दाल दे दी। ये देखिए, दाल देते वक्त मैं आप सबको दिखा नहीं पाई। तो दाल हमारा दे चुकी हूँ। इसमें तेल छोड़ चुका है, आप देख सकते हैं पूरा तेल छूट गया है। और ये भुन गया है, ये देखिए, देख सकते हैं इसमें तेल पूरा साइड साइड से तेल छोड़ा हुआ है। ये देखिए, और इसमें मैं चावल ऐड करूँगा। ये देखिए, अब मैं इसमें चावल दूंगी। तो ये तो आपका बासमती राइस से बनता है, तो मेरे घर में बासमती राइस नहीं था। ये चावल मूनी है जो हम लोग खाते हैं घर में डेली यूज, वही है। तो इसी से मैं काम चला ले रही हूँ। तो पेट भरने से मतलब है। अगर कल ठीक रहती है तो मैं आज करूँगी।
तो इस तरह से आप लोग भी, इस तरह से आप भी बनाएं तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। मतलब इस तरह से आप चना दाल देके, चावल बड़े के, गोश्त देके, आप इस तरह से जो मुहर्रम में खिचड़ा बनता है, ये बिल्कुल उस तरह से ये खिचड़ा बनेगा, तो बहुत ही टेस्ट होगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक, मैं भी सब डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी कौन कौन से मैं मसाले डाली नहीं डाले। तो इसमें और भी सारा मसाला डलता है, पर मेरे घर में अभी मसाले नहीं थे सारे, तो जो थे मैं वहीं देखे बनाई हूँ। और फिर मैं रोटी भी बनाई, इससे मैं, इससे एक जग, तो मेरी फातिमा भी बहुत रो रही है, उसे भूख लगी है तो वो रो रही है। तो इसमें मैं और एक जग पानी डालूंगी, एक या हाफ जग। और मैं इससे हाफ जग डाली और अब मैं इसे, और देखिए जब, मैं इसमें आलू डाल दूंगी। तो ये देखिए हमारा खिचड़ा बन गया। और ये जो ये भुना हुआ जो प्याज था तला हुआ, वो प्याज दूंगी मैं। ये देखिए, ये तला हुआ प्याज है। और थोड़े से मैं धनिया साग भी दे दूंगी, तो इसका स्वाद और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये देखिए, तो है गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक एक सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। प्लीज सपोर्ट कीजिए मेरी वीडियो को, और इस तरह से आप भी खिचड़ा आप भी बनाइए और खाइए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब होता है। जब सारा दिन हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के बाद हमारा जो मुंह होता है, मुंह बहुत ही फीका फीका हो जाता है। तो इस तरह से चटपटा आप मसालेदार खिचड़ा बनाए और खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी, मेरी वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो है गाइस, इस तरह से आप भी चटपटे से खिचड़ा आप भी बनाइए, आप भी खाइए। इस तरह से मसालेदार आप बना के खाओगे गोश्त के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगे। सारा दिन रोज़ा रखने के बाद जो हमारा जबान होता है, मुंह होता है, मुंह बहुत ही फीका हो जाता है, तो बहुत से मसालेदार चटपटा खाने का दिल करता है। तो इसी तरह से आप रमज़ान में बनाइए और खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। मेरी वीडियो अच्छी लगती है, एक लाइक एक सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you.